नमस्कार, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप 18 एलिमेंट्स रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच वी आर गोइंग टू कवर ग्रुप 18 एलिमेंट्स इन वन वीडियो। फर्स्ट वन, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड इन नोबल गैसेस। नोबल इट मीन महान। महान क्यों? हमने केमिस्ट्री में जितनी भी बातें पढ़ी है सब में ये बात करते हैं कि ये कितना अच्छे से रिएक्ट करता है, किससे बॉन्ड कब बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑल दीज रिएक्टिविटी, उसके बेसिस पे हम उसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। यहाँ जब बात करते हैं तो ये नोबल गैसेज है, मतलब किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है। क्यों? ये अनरिएक्टिव है। इसका कारण है इसका ऑक्टेट। इसका जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की बात करें तो इसके बाद में दो इलेक्ट्रॉन, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें जिस भी पीरियड में होती है वहां पर NH2 NP6 टोटल जो अगर इसका देखा जाएगा तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन के कारण इसको कहते हैं ऑक्टेट। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। इससे पहले भी हम बताते हैं कि कोई भी चीज बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करने के लिए, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बना रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर दे रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर जब कोवेलेंट बनाएगा तब भी इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस करेगा, ये इसका एकमात्र रीजन है क्या, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। पर यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको कोई नीड ही नहीं है रिएक्ट करने, इसीलिए ये रिएक्टिविटी में जीरो, इसका कोई किसी से रिएक्शन ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए सारी गैसेस क्या कहलाती है, नोबल गैसेस। कहाँ कहाँ मिलेगी, ऑकरेंस क्या क्या है, तो ऑकरेंस के लिए आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि हम इस ग्रुप में कितने चीजें पढ़ेंगे। इस ग्रुप में टोटल हम पढ़ेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। एक गैस और है इसका नाम है ऑगनेशन, वो एक्चुअली ये 118 की जगह है, उसका इतना वो रेडियो एक्टिव है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपकी जो पुरानी बुक है उसमें यही चीज लिखी है, इसको हम विशेष हीलियम 1s2 केवल 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब आपको आउटर सेल की बात करनी है तो ये इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं आर्गन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 18, पहले सेल में 2, सेकंड 2, 8, देखिए थर्ड सेल है इसमें 8 कंप्लीट है। फोर्थ सेल क्रिप्टोन की बात करें तब भी यहां पर आप देखना 8 आएगा, जीरोन में भी लास्ट में 8 आएगा। तो हो क्या रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट को इस तरीके से हम शो करेंगे। दूसरी बात, हीलियम कहां मिलती है, हीलियम का साइज कितना छोटा है, ओनली 1 सेल, जिसका 1 शेल हो उसका साइज कितना हो, बहुत छोटा साइज है। आपकी बुक में तो ये तो लिखा है कि हीलियम, अगर ग्लास में मैंने हीलियम रखी है तो वो हीलियम उसके अंदर ग्लास के अंदर के पार्टिकल से भी मूव करके बाहर निकल जाती है, इतना छोटा साइज है इसका। ये बुक आप बुक में लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है देखिए आप, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक। इतने मतलब ग्लास इतना कॉम्पैक्ट होता है उसके अंदर से भी निकल जाती है, कितना छोटा साइज है। तो इस केस में क्या होगा, इसका साइज के छोटे होने के कारण से ऐसा हो रहा है। हीलियम का वैसे भी एक सेल है। ओके, कहां मिलती है, ये नेचुरल गैस में मिलती है, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि ये कहां मिलती है, पहली बात हीलियम आपको सबसे पहले कहां फाउंड, कहां हुई थी, ये जब सोलर एक्लिप्स हुआ था, सोलर एक्लिप्स की घटना के बाद में पता चला कि यहाँ वहां पर हीलियम है सन के वहां पे। जैसे मान लो हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, हीलियम बनाता है। ओके, तो हमारे सन की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये जो हीलियम है सोलर एक्लिप्स के थ्रू
आपको वहां मिली, तो वहीं क्यों मिली? यहां हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है क्या? एटमॉस्फेयर में भी है, तो हमको अब तक क्यों नहीं मिली? इसका कारण है इसकी नॉन रिएक्टिविटी। जब किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाती है, उसके इसमें हमको कैसे पता चलेगा? तो ये सारी जैसे जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं हुई उसके बाद पता पड़ा कि ये भी कोई गैसेज है, क्यों? रिएक्टिविटी नहीं करती है। तो जैसे हीलियम का मैंने बताया कि सोलर इक्लिप्स के थ्रू हुई, नहीं ना ऐसे में, और अभी बताऊंगा आगे भी एक तो घटना है जिसमें वो जीनोन से रिएक्शन करके बताएगा, ठीक है ना। तो पहली बात स्मॉल साइज नॉन रिएक्टिविटी कहाँ मिलती है, तो पहला सन में हुआ, दूसरा नेचुरल, नेचुरल जो गैस है ये नेचुरल कहाँ गैस कहाँ से मिलती है? जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे की तरफ जब दब जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थ्रू, वो किसमें कन्वर्ट होगा? कोल में, क्रूड ऑयल में, और उसके बाद में डिकम्पोजिशन में गैस बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं? कोल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है ना। वो गैस जिसको आप बाहर निकालते हैं, उसमें से कुछ कंटेंट को अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, उससे सीएनजी एलपीजी ये सारी गैसेज बनती है। वो नेचर में जो बनती है गैस, उसमें हीलियम होती है, हीलियम भी होती है ना। जैसे दो आप ये देखिए, उसी से नेचुरल गैस के प्यूरिफिकेशन से दो गैसेज बनती है। पहली एक बनती है सीएनजी, एक बनती है एलपीजी। सीएनजी है जिसका मेन कंटेंट क्या है? मेन कंटेंट है मेथेन। एलपीजी का मेन कंटेंट क्या है? इसका है प्रोपेन। अच्छा, इनमें एनर्जी कौन ज्यादा देती है? उसमें से एलपीजी एनर्जी ज्यादा देती है। इसकी बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट देती है। उसका कार्बन भी देखिए ना, कार्बन कितने हैं? कार्बन के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही तो हीट निकलती है। इसमें ज्यादा हीट निकलती है, सीएनजी में कम हीट निकलती है। तो हम खाना बनाते हैं ज्यादा हीट से, और इतनी हीट अगर मान लो कि व्हीकल में दे देंगे तो व्हीकल बर्न नहीं करने लगेगा, व्हीकल के बहुत सारे मटेरियल है जो बर्न हो जाएंगे। तो सीएनजी में हम एलपीजी नहीं डालते, वो जो डालता है वो गलत डालता है, अलाउ नहीं है। एलपीजी लेस, जो सीएनजी होती है वो लेस एनर्जी देती है, जो कि व्हीकल को सुरक्षित रखती है, एलपीजी से आग लग सकती है, ज्यादा एनर्जी देती है। तो ये भी वहीं से निकलती है नेचुरल गैस, तो हीलियम भी वहीं से निकल रहा है। दूसरी बात, हीलियम आपको एक एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में सारी गैसें मिलती है भैया, एटमॉस्फेयर में सारी गैसें मिलती है। कौन नहीं मिलता है? रेडॉन नहीं मिलता है, रेडॉन नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में, बाकी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन सब गैसें मिलती है, रेडॉन नहीं मिलता। रेडॉन तो वैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसीलिए ये बहुत कम कहीं पे मिलेगा। तो जब भी एटमॉस्फेयर की बात करोगे सारी गैसेज का सोर्स, अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी गैस है इसका? तो अगर जब निकाला गया तो 1% वॉल्यूम किसका निकला? आर्गन का। बहुत ज्यादा कंटेंट है ये तो, मतलब सबसे ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है अगर ग्रुप 18 की बात करें तो आर्गन होती है, ठीक है ना। ये लगभग 1% के आसपास होती है वॉल्यूम, 1% बाय वॉल्यूम, ओके ये बात समझ में आए। अब रेडियो एक्टिव और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव ओरिजिन, जैसे पिच प्लेन, मोनोजाइट और क्लेवाइट, इनसे जो रेडियो एक्टिव और ये जो ओरिजिन होता है इससे भी क्या मिलती है? दो गैसेज मिलती है, हीलियम भी मिलती है और नियोन भी मिलती है। तो नियोन कहाँ मिली? एक तो मैंने कहा एटमोस्फियर में सारी गैसेज है, तो एटमोस्फियर में नियोन है। दूसरा रेडियो एक्टिव ओरिजिन, हीलियम कहाँ है? रेडियो एक्टिव ओरिजिन, एटमोस्फियर और नेचुरल गैस, और एक तो सन के अंदर तो है ही हीलियम। आर्गन कहाँ? ये एटमॉस्फेयर में ही है और मैक्सिमम है, ठीक है ना, और इसके अलावा ज्यादा कुछ है दिखा नहीं है। क्रिप्टॉन जीनोन ये थोड़ी सी कम रहती है, क्रिप्टॉन तो रहती है पर जीनोन और रेडन ये तो बहुत ही कम है। ये अगर ये रेयर है की बात करें, रेयरेस्ट है ये समझो, है ना, सबसे कम में यही है, ओके। और दूसरी बात, रेडॉन और ऑग्नेशियम जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ऑग्नेशियम जो 118 एटॉमिक नंबर वाला है, वो क्या है? ये दोनों तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ तक, ये यहाँ तक तो चलो ठीक है, मिल जाएगी उसकी बदले, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेडॉन आपको जब कहीं नहीं मिल रही है, रेयरेस्ट है, तो आपने कैसे बनाई? तो उसके लिए आपकी बुक में वो दे रखी है रिएक्शन, बोलेगी रेडियम जो होता है मटेरियल उसके ब्रेकडाउन से बनी है, ठीक है। तो इसको याद करना भी आसान है, रेडियम से क्या बना? रेडॉन बना,
रेडियम से रेडॉन बना, कितना आसान है। और कब मिला, जब एक हीलियम बाहर निकली। तो अगर आप हीलियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 पता है तब तो और आसान हो गया, ठीक है ना। क्यों आसान है, क्योंकि जैसे आपको रेडॉन का तो पता ही है आपको कि रेडॉन का 86 होता है। अगर ये 86 होता है और ये इसका 22, इसका ये भी सिंपल है 222, शायद यही है ना, हाँ 222, 86 222। अब ये क्या है, इसके ब्रेक डाउन होने से बना, तो ये 86 और 2, यहाँ ये 88 हुआ, 222 एंड 8, 22 चार दो छः, कितना आसान है। इस रिएक्शन को याद करना तो बहुत सिंपल है। क्या हुआ, रेडियम जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निरंतर निकलते रहते हैं, ओके, ये तो डीके होता ही रहता है। अब उसमें से क्या निकाल लिया, हीलियम निकाल दीजिए, जैसे ही हीलियम निकलेगा तो आपको रेडॉन मिल जाएगी, ओके, ये भी वो सिंपल। ऐसे ही कैलिफोर्नियम से कैल्शियम एक रिएक्शन और है, वो आपकी बुक में वैसे लिखी नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ कि कैलिफोर्नियम जो 98249 की रिएक्शन आप जब कैल्शियम से करते हैं, कैल्शियम 20 और ये स्पेसिफिक है, ये 48, ये बहुत थोड़ा स्पेसिफिक आइसोटोप है, इससे ऑग्नेशियम बनता है। ऑग्नेशियम का जो होता है 118 और ये होता है 2984 और इसके साथ में क्या बनता है, न्यूट्रॉन। ये आपकी बुक में वैसे पुराने बुक्स में लिखी नहीं है इसलिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस आपको ये कैलिफोर्नियम कैल्शियम से रिएक्ट करता है, ऑग्नेशियम बनाता है, ठीक है ना, ऑग्नेशियम बनाता है और न्यूट्रॉन देता है। ये ज्यादातर इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ऊपर वाली है, क्या कि रेडियम ब्रेक डाउन होकर रेडॉन बनाएगी और हीलियम देगी, ठीक है। तो ये है ऑकरेंस। इसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी आप वो जज नहीं कर पाएंगे कि क्या है इसका इंपॉर्टेंस और क्या इसकी रिएक्टिविटी, कहां कितने इलेक्ट्रॉन्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहला स्टार्ट करेंगे नेम से, कितनों का आपका करना है ये देखिए, इसको अप टू डाउन मैंने लिख दिया है, ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडॉन, ओके सिंपल। अब आपको ये बात करनी है क्या कि इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का हीलियम का होता है 2, अच्छा इसके बाद में नियोन का कितना होगा। अब मैजिक नंबर्स में जोड़ते जाइए, जैसे देखिए इसमें जोड़ेंगे आप 8, इसमें जोड़ेंगे आप 8, इसमें जैसे इसमें आएंगे तो यहां पर 8 और 10 डी ब्लॉक का जुड़ेगा, यहां से आएंगे तो 8 और 10 मतलब 18 जुड़ेगा क्योंकि डी ब्लॉक आ रहा है, यहां से यहां आएंगे तो 8 10 प्लस 14 एफ ब्लॉक का जुड़ेगा, इतना सा ये मैजिक नंबर है जो कि आपको 9 से पढ़ा रहा है। 2 और 8 होगा 10, 10 और 8 होगा 18, 18 और 18 होगा 36, 36 और ये होगा 32 जोड़ना है ना, हाँ 32 फिर अभी 18 ही जोड़ना है, 54 पे 32 जोड़ना है, तो क्या होगा 4 और 2 6 और ये 86, ये आपको एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है ना, ओके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके एटॉमिक मास के बारे में। मास क्या है, जस्ट लगभग इसका डबल ही होता है, जैसे 2 और 2 लगभग 4, इसका कितना है 20.18, ठीक है, इसका कितना है 39.195, इसका कितना है 83.80, इसका कितना है 131.30, इसका कितना है 222.00, ओके। ये बहुत ये डेटा कोई नहीं पूछता है, ये एटॉमिक नंबर जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, ये केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो जस्ट लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसे डबल, ये डबल, ये लगभग डबल, डबल डबल डबल, सब चीजें लगभग डबल, इसका कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक रेडियस, इसकी बात कर रहे हैं तो पहले एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं, के शेल में कितना है, एल शेल में कितना है, एम और एन, ये शेल के अकॉर्डिंग के शेल में ही इनके 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 2 और 8, ये दो स्टेबल कॉन्फिगरेशन, 18 की बात करें तो 2 8 एंड 8, ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन, नीचे की तरफ बात करें तो 2 8, अब इंपॉर्टेंट देखिए 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ये कह रहा है कि यहां पे जो 8 है इसके साथ में ही यहां पर 10 भी रहेगा,
ठीक है ना। हालांकि ये नेक्स्ट सेल आ गया है पर 10 इनर सेल में रहेगा, डी पर आउटर सेल फिर 8 रहेगा, ये देखो 8, ये 18 इस तरीके से रहेगा। ओके नेक्स्ट में क्या है, फिर उसमें ये तो सेल रहेगा 288, फिर यहाँ 18 कर देता हूँ, फिर यहाँ 10 और फिर आउटर सेल में फिर यहाँ 8, ये 18 इस तरीके से रहेगा। इस तरीके ये वाला ये 288 18 18 32, ये 18 18, फिर बाद में ये 14 जो कि F के हैं, फिर 10 D के हैं और इसके बाद में फिर 8, तो ये इस तरीके से 32 रह रहा है। तो आउटर सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि स्टेबिलिटी को शो करता है। आप जब इसको देखोगे तो इसको कैसे देखेंगे, इसमें नियो जैसे इसका तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हीलियम खुद ही एक वो है, इसकी जगह देखिए इसमें क्या हुआ, हीलियम दिखा जाएगा 2 की जगह, इसकी जगह हीलियम लिख देंगे, फिर 8 की जगह लिखेंगे 2s2 2p6, फिर यहां क्या लिखेंगे नेक्स्ट जो सेल है नियोन, आर्गन की बात कर रहा हूं ना, ये आर्गन की बात कर रहा हूं, नियोन लिखेंगे इसका मतलब 18 ही कवर हो गया, फिर 3s2 3p6, कितना आसान है ये आपको इसी रिलेशन को बताता हूं। आपको नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग आपको ये होता है, ये जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ, मतलब ये नंबर ऑफ पीरियड्स की बात कर रहा हूँ ना, पीरियड जैसा होता है सेल भी वैसा ही होता है, ठीक है ना, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड। अब आप देखिए यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है तो देखो यहाँ भी 3 लिखा है, तो नेक्स्ट में क्या होगा इसी तरीके से कि जब क्रिप्टोन की बात आएगी तो यहाँ आर्गन लिख के और इसके बाद में क्या लिखेंगे, पहले यहां तक आर्गन का मतलब है कि यहां तक का कवर हो गया 18 कवर हो गया, फिर आपको डी, डी में क्या होता है n-1d होता है, एफ तो होता है n-1 14 और n-1 होता है डी, फिर ns2 np6, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ये आपको लगभग दिख रहा होगा और मैं दिखा दूंगा, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन अक्सर ये दिखेगा ns2 np, ये वैलेंस वैलेंस शेल का दे दिया, पर वैलेंस शेल से पहले अगर d आता है तो n-1 d होता है, अगर मैं बात करूं यहां 4 की तो यहां आएगा 3d10 4s2 4p6, इस तरीके से दिखा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके हैं। अच्छा आर्गन के बाद की बात करें, यहां की बात करें क्रिप्टोन की, जब क्रिप्टोन की बात करेंगे, अबे क्रिप्टोन की बात करता हूं ना, ये वाला ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, ये वाली चीज के लिए क्रिप्टोन, क्रिप्टोन की जब बात करें सॉरी ये हो गया नियोन के लिए, नियोन आर्गन ये क्रिप्टोन के लिए हो गया। अब जीनोन की बात कर रहा हूं, जीनोन की जैसे बात करेंगे तो आप क्रिप्टोन को लिखेंगे ताकि क्या होगा यहाँ के 36 तो यही काउंट हो गए, उसके बाद की चीजें आपको लिखनी है, ठीक है, ये सेल कैसा है, ठीक है ना, उसके सेल है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4d10, ठीक है ना, फिर लिखेंगे 5s2 5p6, फिर नेक्स्ट क्रिप्टोन के आगे जीनोन, ठीक है ना, जीनोन हो गया, ये जीनोन का लिख दिया, जीनोन क्या आगे रेडोन, रेडोन का जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जीनोन लिखेंगे, और जीनोन लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ केवल एक देखनी है कि इसमें एफ ब्लॉक आ गया है और एफ ब्लॉक के 14 को लिखना जरूरी है और 14 के पहले ये लिखना जरूरी है n-2, तो पहले देखो कि ये 6 पीरियड का है, 6 माइनस टू मतलब होता है 4, तो पहले तो लिखोगे आप 4f14, फिर यहां लिखेंगे 6-1 तो ये होगा 5, तो यहां लिखेंगे 5d10 और फिर यहां n की जगह 6 और n की जगह 6, तो यहां लिखेंगे 6s2 6p6, तो ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको ये देखना है कि लिखना कैसे है, कहां पे क्या s आएगा, कहां d आएगा, कहां f आएगा, बस इतना सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए इसमें, ये तो आप इजीली निकल गए, अब निकालने के बाद में आपको क्या देखना है कि शेल कितने हैं इनके, क्योंकि शेल ही तो डिसाइड करते हैं कि इसका साइज, तो हम साइज की जब बात करते हैं तो यहां पे ओनली वन शेल, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा हूं,
यहां पे वन सेल है मतलब स्मॉलेस्ट है। आगे वाले केस में देखिए, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल ये दो सेल है तो साइज थोड़ा सा बड़ा। नेक्स्ट में थ्री सेल है, फोर सेल है, फाइव सेल है, सिक्स सेल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ये क्या होगी, अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। और इसी कोवेलेंट से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे बाय चांस आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाकर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या होगा, आयन तो बनेगा, तो जब आयन बनेगा तो आयनिक रेडियस भी होगी पर शेयर के अकॉर्डिंग ही होगी। तो जैसे इसका शेयर है उसी अकॉर्डिंग आयनिक आयनिक जो रेडियस है वो भी अप टू डाउन जाओ बढ़ेगी। तीसरी बात लिखी हुई बॉइलिंग पॉइंट, हमने क्या कहा था जब जब नीचे जाएगा मॉलिक्यूल क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अप टू डाउन जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। ये एक क्वेश्चन भी आपके लिखा है कि हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बताऊं आपको 4.2 केल्विन, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट, इसका इतना कम बॉइलिंग पॉइंट हो और कोई इसे रिएक्ट ही ना करे तो ये तो और अच्छी बात है। अच्छा कहीं पे आपको कूलनेस देनी हो, जैसे अभी रिएक्टर की बात आएगी यूजेज पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे रिएक्टर में जब बात आएगी तब आप हीलियम यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई इसकी कोई कमी है, इसके कारण से इसके फंक्शन भी तो बढ़ गए, यूजेज भी तो बढ़ गए, ठीक है ना। बस आपको अभी याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है नीचे जाते हैं सर, मतलब मिनिमम कितना होगा, जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसा ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी अप टू डाउन जाने पर बढ़ता है। कहां एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन है देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम आपको बता ही दिया था ना, ऐसा कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। तो आपको बस याद रखना अप टू डाउन जाओगे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये कि आपका डेटा पूरा लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है ना। और मिनिमम किसको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका माना गया है, हीलियम का माना गया है। इसी के साथ एक और वर्ड लिखा है डेंसिटी। अब डेंसिटी भी आप यहीं पे पढ़ने में ज्यादा इजी है, क्यों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप कहेंगे कि अप टू डाउन जा रहे हो एटॉमिक मास तो कंटिन्यूस बढ़ रहा ना, तो मैं क्या कहूंगा कि डेंसिटी के हिसाब से मास बढ़ रहा है, एक दो तीन मेरे इतना मास, देखिए ना मास में कितना 4, 20, 39, 83, 131 रेगुलर इंटरवल में मास बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डीप लोग आ गया है, यहाँ पे डीप लोग, यहाँ पे डी एंड एफ लोग, और ये जो डी और एफ लोग यहाँ पर आता है, डी या डी और एफ दोनों आता है, इसके कारण से होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जब आ जाता है उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है मतलब इतना नहीं बढ़ता ड्रास्टिकली जितना कि शेल बढ़ने से बढ़ना चाहिए था, पर यहां से इतना नहीं बढ़ता, तो वॉल्यूम में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। मान लो बढ़ा तो एक पॉइंट बढ़ा, अब क्या होगा अगर मान लो मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूं तो वन से वन, तो भी आंसर कितना आएगा, आंसर फिर भी आएगा कि डेंसिटी बढ़ रही है। आप इसका डेटा भी देख लीजिए, डेंसिटी रेगुलर इंटरवल में देखिए 10^-4, -4, -3, -3 मतलब बढ़ती जा रही है, देखो -4 1.8, -4 9, -3 1.8, -3 3.7 फिर 5 फिर 9, रेगुलर इंटरवल में डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहां तक आपका कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हीलियम की बात करूं तो ये है न्यूक्लियस, इसके बाद में ये है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन। नियोन की बात करते हैं तो ये है न्यूक्लियस, इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में यहां पर है, इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस तरीके से। तो ऑब्वियसली एक सेल बढ़ने से साइज बढ़ गया,
अब बात क्या की जा रही है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कैसे निकलेगा? तो क्या इजीली तो निकलेगा नहीं, हमने इसको एनर्जी दी, और एनर्जी जो दी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? एक तो है लूजली बाउंडेड, दूसरी बात है गैसियस फेज, गैसियस फेज में लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी ही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितनी आसान बात है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में सब्जेक्ट लिखा है, हम ऑक्टेट का रूल लगाएंगे तो भी है, छोटा साइज के हिसाब से देखेंगे तब भी स्टेबल, फिर भी आपके भी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या आसानी से निकाल लेंगे? बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिन नहीं है पर वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो कह रहा है कि निकल जाएगा, हाँ निकलेगा। तो यहां पर वेरी वेरी मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओके कितनी है आपकी डेटा देखिए 2372 कितनी है फर्स्ट केस में, हीलियम के केस में देखिए 2372 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा एनर्जी है ये 2372। ओके अच्छा यहां से क्या होगा, अब थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम आ गई है न्यूक्लियस से। एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट कर रखा था, न्यूक्लियस, यहां से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। अब बढ़ गई है तो क्या होगा, यहां पे इसका कंट्रोल थोड़ा सा खत्म हो गया है। तो यहां से मैं चाहूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो क्या होगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर जो एनर्जी जो देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो साइज का बढ़ने से साइज बढ़ गया, तो अब एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी लेस रिक्वायर्ड। अब एनर्जी लेस रिक्वायर्ड तो क्या होगा, एनर्जी मतलब ऐसा नहीं कि कम, क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल है तो चाहिए तो सही, पर किससे कम चाहिए, हीलियम से कम चाहिए, कि इसमें तो चाहिए 2372, तो इतनी इसमें नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, चाहिए तो बहुत सारी, इसमें चाहिए 2080 किलो जूल पर मोल, ये भी बहुत कम नहीं है। इट मीन अपने पीरियड में इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, क्यों, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक साइज अपने पीरियड में सबसे छोटा, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वेरी मच एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ भी देख लिया आपने बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां तो केवल एक शेल था, दो शेल में भी 2000 के आसपास, तो नीचे की तरफ आएंगे तीन शेल हो जाएगा तो कितना 1520, फिर चार शेल हो जाएंगे तो 1351, पांच शेल 1170, छह शेल 1037, इट मीन्स अप टू डाउन जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन और आउटर मोस्ट न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और बढ़ने से पकड़ मजबूत कम हो जाएगी, तो आउटर मोस्ट को निकालना थोड़ा आसान होगा। तो सबसे मुश्किल यहाँ पर, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड, फिर कम होती जाएगी, कम 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 कम, सबसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेडॉन में चाहिए। ये बात एकदम आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बहुत सी चीजों के बारे में आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट इसी का एक और भाई है, क्या है इसका नाम, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है, क्या है कि हमको इसको इलेक्ट्रॉन देना है और यहां से एनर्जी निकलेगी, मतलब जो काम मैं अभी कर रहा था उसका उल्टा, कि मेरे को ये इलेक्ट्रॉन यहां से देना है और इसके बाद में यहां से एनर्जी निकलेगी, हमको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में एनर्जी को रेडिएट करेगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया इसके कारण से इसमें से एनर्जी रेडिएट हुई, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहां से एनर्जी रेडिएट हुई, ठीक है ना, सेम आयोनाइजेशन का अपोजिट है। तो क्या इसमें यही कंसेप्ट लगेगा या कुछ और लगेगा, इसको आप समझिए, ठीक है ना, इसको समझाने के लिए उसी को हम यूज करते हैं जानबूझकर,
हमको यहाँ पर है हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दो इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए, फिर भी आप कह रहे हो कि जबरदस्ती दे रहे हो, तो जबरदस्ती दे दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन और आ गया, पहले छोटा सा साइक उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिवर्स, मतलब अगर हम ऑर्बिटल की बताते थे क्या कहते थे कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा, सेकंड ये इस तरीके से रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड, ये पहले से फिल्ड, और तीसरा आ जाएगा तो उसके लिए रहने की जगह कहाँ है, ठीक है आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट कितना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, बढ़ने के कारण से स्टेबिलिटी नहीं आई और अनस्टेबल हो गया, जब स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के आने से जो रेडिएट हो रही है एनर्जी बाहर निकल रही है, ये एनर्जी कम निकलती है, वेरी वेरी लेस निकलती है, ये कितनी है, ये देखो कितनी निकली 48 किलो जूल पर मोल, बहुत कम एनर्जी रेडिएट हो रही है, हो तो रही है और पॉजिटिव भी है, क्यों कि जब एनर्जी बाहर निकलती है तो वैसे भी है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच कैसी है एग्जिट हो रही है तो हमारी सिस्टम से लॉस हो रही है, डेल्टा एच तो नेगेटिव, पर यहां पे तो और प्रॉब्लम है, ये तो पॉजिटिव में कि हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट तो नहीं कर रहा है और उल्टा कह रहा है कि भैया इसको अभी आपको रोकना है तो और आपको वो एनर्जी दे रहे हैं कि भैया इसको रखिए, ठीक है ना, मतलब इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर आप देखिए आगे देखो 48 पॉजिटिव में लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में ये जो है ना एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, होनी चाहिए थी एक्सोथर्मिक पर ये तो पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है, इसका मतलब देखिए कितनी अनस्टेबिलिटी है 48 पॉजिटिव, इसमें देखिए इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8, स्टेबल कॉन्फिगरेशन आप कह रहे हो कि 9th और ले लीजिए, 2 और 9 कर लीजिए, तो यहां पर भी इसी तरीके से प्रॉब्लम है क्या, पर यहां पर भी क्या हुआ डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए था, नेगेटिव नहीं है, यहां पर भी डेल्टा एच पॉजिटिव है और इसकी कितनी है 114 116, मतलब ये क्या चीज बता रही है, ये क्या बता रही है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वहीं पर वो डेल्टा एच नेगेटिव होती है, यहां पर तो पॉजिटिव है, ओके 48 फिर 116 फिर थोड़ा सा यहाँ क्या शेल बढ़ गए तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ तो कम एनर्जी, मतलब स्टेबिलिटी के लिए कम एनर्जी ही ठीक है, यहाँ 96 96 फिर और कम एनर्जी रिक्वायर्ड 77 फिर 768, ओके इसका मतलब क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव की बात करें तो नीचे जाने पर भी कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कम एनर्जी, मतलब अप टू डाउन जाओगे तो यहाँ से नियोन के बाद में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रही है, ठीक है ना, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं, एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा आर्गन है। अब बात करते हैं इसके कि 2000 केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थोड़े एक बार स्किप हो गई, ये देखिए ये मोनो एटॉमिक वर्ड लिखा है कि क्या ये किस तरीके से मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये एक एटम के फॉर्म में रहती है, एक एटम क्योंकि हीलियम भी है हीलियम भी रहती है, बॉन्ड बनाएगी जिसका स्टेबल कॉन्फ्रिगेशन है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो सिंगल फॉर्म में रहता है, वो एटम के फॉर्म में ही रहेगा, तो यहाँ क्या होगा जब सभी एटम के फॉर्म में तो इनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, सब ये मोनो एटॉमिक है। अगला कलरलेस, यहाँ पर आर्गन भी है क्रिप्टॉन भी है, अभी मैंने इससे पहले कहा एटमोसफेयर में सारी गैसेज है रेडॉन को छोड़ के, तो सारी गैसेज यहाँ है हमको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, कलरलेस है, कोई टेस्ट है क्या, नहीं टेस्टलेस है, ठीक है, इसी तरीके का कोई मतलब ऑर्डर आ रही है क्या, स्मेल आ रही है क्या, कोई स्मेल नहीं, आप जज भी नहीं कर सकते यहाँ पे इनर्ट गैसेज है, ठीक है ना, तो ये चीज तो आपको फील करने से ही पता पड़ गया, न दिख रही है न टेस्ट हो रही है न आपको स्मेल हो रही है, आपके पानी में है क्या, है सोल्यूबल है बिल्कुल, ये स्प्रिंगलिंग सोल्यूबल है वाटर में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ ये बताया है मैंने आपको कि अपनी उसमें सबसे कम हीटिंग की होती है, कारण क्या है कि रियलिटी में होता क्या है कि अगर मैं बात करूं ये इस तरीके से मैं कई बार बता चुका हूं, ये सॉलिड यही पार्टिकल दूर हुआ पूरी बड़ी लिक्विड,
यही पार्टिकल और दूर हुआ तो ये गैस। इसका मतलब केवल डिस्टेंस डिसाइड करती है स्टेट को, यहां पर कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, ये तो वैसे ही मोनो एटॉमिक है। तो ये इस तरीके का कोई बॉन्ड तो है ही नहीं यहां पर ना। जब किसी का बॉन्ड होता ही नहीं है तो किसको तो मेल्ट करना, किसको बॉइल करना, ये तो खुद ही अकेले अकेले घूम रही है। अच्छा ठीक है, तुम आप बोलोगे तो भी कोई फोर्स होगा। हाँ ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स होता है, डिस्पर्सल फोर्स बोलते हैं उसको, वीक डिस्पर्सल फोर्स। कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल वीक डिस्पर्सल फोर्स है जो इसको क्या हुआ कि पास पास रखे हुए, और वो भी इतना मजबूत नहीं है, थोड़ा सा होगा नहीं, ये आराम से मूव करके बाहर निकल जाएगी। इस केस में क्या होगा, जब सब चीजें वीक होती है तो इसका मोल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। हिंदी में तो एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपके, हिंदी में क्या दे रखा है, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? उसमें लिखा है कि नो इंटर मोलिकुलर, इंटर एटोमिक, मोलिकुल का नाम ही नहीं लिया। जब यहाँ एटोमिक की बात की गई है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नो इंटर एटोमिक फोर्स, एटम के बीच में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मान लेते हैं भी, तो क्या बोला इन्हें, वीक डिस्पर्शन फोर्स है, और इस कारण से ये क्या हुआ, इजीली लिक्विफाइड हो जाती है बहुत कम टेम्परेचर पे, और इसी कारण से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थोड़ी सी चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। केमिकल रिएक्टिविटी में देखिए कुछ बातें लिखी हुई है कि क्या रिएक्टिविटी तो तब पता चलती है जब कुछ रिएक्शन की जाए। हमने अब तक क्या बताया कि ये नॉन रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो मैक्सिमम जगह हमने कहा ये नोबल होती है, कोई रिएक्टिविटी कभी नहीं दिखाती क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये पहली बात नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात, इसी कारण नॉन रिएक्टिव कारण से कभी ऑब्जर्व ही नहीं गए, ठीक है ना। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, कभी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, इलेक्ट्रॉन गेन तो वो भी मोर पॉजिटिव, मतलब देना और देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां तक तो बात हमने पढ़ी। वो कह रहा है कि पहली बार ऑब्जर्व तो हुआ होगा ना, तो ये जो गैसेज है सब अलग अलग घटनाओं से आपको डिस्कवरी होती गई। फर्स्ट डिस्कवरी मतलब ऑब्जर्वेशन कब हुआ कि मार्च 16, 1962 में जो नील बार्टले थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, क्या कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन जो अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जब ये इसके संपर्क में आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को और छीन लेता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन कर ये इसके अपने पास रख लेता है, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, और इसके पास में आएगा तो ये नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट बना है वो है क्या, रेड कलर का। चलो ठीक है ये बना, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप आ गया, नहीं, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी। हमने पहले ही बताया था एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, इसको दी गई, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसे इसने गेन किया, ठीक है। तो वो जो एनर्जी देते हैं वही तो रेडिएशन होता है, उसी से तो कलर निकलता है, तो वो कलर निकला रेड कलर। जब इसी तरीके का प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड को जीनोन से कराया तब भी इसी तरीके का प्रोडक्ट बना और रेड कलर का, और आयनाइजेशन एंथैल्पी यही प्रोडक्ट सेम बना, कलर भी रेड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी गई तो बोले कि लगभग सेम, बिल्कुल एक जैसी है। कितनी है ये 1170, आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 1170 किलो जूल पर मोल, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दोनों की लगभग एक जैसी है। तब उन्होंने कहा कि रिएक्शन तो करती है जिन्होंने, इससे पहले तो हम क्या कह रहे थे नॉन रिएक्टिव है, इसके बाद हम लगने लगा कि ये भी कुछ तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। जैसे हमने सोलर इक्लिप्स की बात की, वहां हीलियम की बात की गई थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी की बात हुई। इसके बाद में और थोड़ा सा किया तो उसने क्रिप्टॉन की बात की, तो क्रिप्टॉन भी फ्लोराइड से नीट करके क्या लेप्टोन बना रहा है, ठीक है ना, डाई फ्लोराइड। इसके बाद रेडोन की बात की तो ये भी RnF2 बना रहा है, इसका मतलब हल्की हल्की रिएक्टिविटी तो है, रेडियो टेक्निक से किया गया है ना, ठीक। और अभी आर्गन नियोन और हीलियम इसका कोई नोन नहीं है, पर बाकी चीजों का तो नोन है, जैसे जीरोन का हो गया, क्रिप्टोन का हो गया, रेडोन का हो गया। इसके बाद आर्गन नियोन और हीलियम इनका अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब ये यहां देखिए कि एक रिएक्शन बता रहा है केमिकल जिसमें जीनोन और फ्लोरीन, एक तो है जीनोन एक है फ्लोरीन, दोनों गैसियस फेज में है, तीनों केस में रॉ मटेरियल तीनों में सेम है, बट रिएक्शन
का आप एक तो टेम्परेचर देखिएगा और ये प्रेशर देखिएगा, तीनों में अलग अलग है। तीनों में देखिएगा जीनोन यहाँ पे तीनों में सेम है वन वन वन, बट यहाँ फ्लोरीन देखिएगा वन टू थ्री। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ रेशियो क्या रखा गया है, वन इज टू ट्वेंटी, वन इज टू ट्वेंटी। ऊपर क्या है, टू है, तो ये है वन इज टू फाइव। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ पर थोड़ा कम है, पर फिर भी हम अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ जीरो एक्सेस में हो गया है। जब प्रोडक्ट बनाया उसमें टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर भले कम है, क्या बनाया, केवल टू फ्लोरीन एड हुए। इसका मतलब यहां पे जो टेम्परेचर ने कम ही फ्लोरीन को एक्टिवेट कर पाए और वो जीनोन से जोड़ पाए। जीनोन चाहता नहीं है बोन्ड बनाना, बट टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से क्या हुआ कि यहां पे दो फ्लोरीन ने एड हुए। जब टेम्परेचर बढ़ाया, जब 873 और प्रेशर भी बढ़ाया, यहां सेवन बार मतलब सेवन टाइम्स प्रेशर बढ़ाया है, टेम्परेचर भी लगभग 200 के आसपास बढ़ा, तो यहां देखिए ये फोर, यहां पे टू था यहां फोर आ गया। और इस केस में देखिए नया प्रोडक्ट बना HEF4, पर सेम मटेरियल में अगर आप फ्लोरीन को ज्यादा लेते हो, जो कि मैंने इससे पहले भी बताया था, जब ये प्रोडक्ट ज्यादा लिया जाता है, यहाँ पे टू लिया तो उतना बन गया, यहाँ थ्री लिया इसका मतलब ये ज्यादा बना, तो ये भी देखो ज्यादा बन गया, ये देखो सिक्स HEF6। ओके, ये न्यू प्रोडक्ट, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट आइदर। अब इसमें आपको क्या देखना है कि रॉ मटेरियल सेम है बट इसका जो कंसेंट्रेशन है रेशियो अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ जीनोन एक्सेस, यहाँ 1/5 और यहाँ 1:20। इसके बाद टेम्परेचर में भी डिफरेंस तो प्रोडक्ट भी डिफरेंस। इसका मतलब जीनोन एकाएक रिएक्टिविटी नहीं दिखाती है, बट कोई ऐसा रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव, जैसे फ्लोरीन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन ऐसा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ये इतना रिएक्टिव है कि जीनोन जैसे उससे भी खींच लेगा। तो अच्छा ये बोले नियोन और आर्गन से क्यों नहीं खींचा, तो नियोन और आर्गन का साइज बहुत छोटा है, उनके न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत है, जीनोन का साइज बड़ा हो गया। देखो जीनोन है भी कहां, फोर्थ नंबर पे 54, मतलब सेल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 सेल, 1, 2, 3, 4, 5 साइज बढ़ गया, वहां न्यूक्लियस का पावर कम हो गया। तो यहाँ क्या होगा, फ्लोरीन का अपना बस चल गया, पर फ्लोरीन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जो जीनोन है ना उसके पास में एड हो जाएगा, बस यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर वहां हेल्प कर देगा। तो आपको बस याद रखना है कि 1:5 में क्या बनता है, 1:20 में क्या बनता है, जीनोन एक्सेस में क्या बनता है, ये आपको अक्सर सीबीएसई में पूछते हैं। नाउ टू मोर रिएक्शंस, व्हाट विल हैपन व्हेन जीनोन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्लोराइड फ्लोरीन, ये O2F2 इस प्रोडक्ट से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। हमने अक्सर आपको इसकी जगह देखा था कि जब भी फ्लोरिनेशन किया जाता है, फ्लोरिनेशन जैसे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, फ्लोरीन का एडिशन फ्लोरिनेशन, यहाँ पे फ्लोरिनेशन करने से यह क्या हो रहा है, ये अपना फ्लोरीन यहाँ पर देता है और ये इससे क्या बन जाता है, ये फ्लोरीन यहाँ से टू स्विच होंगे, यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ से ब्रेक होगा। ये ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों है, है ना, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोरीन, उसमें ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन अपने आप को गैस फॉर्म में फ्री करना चाहती है, तो ये तो वैसे ही कमजोर है और ये फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि यहाँ पे जाकर वो बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जीनोन का हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, फ्लोरिनेशन किया, कौन करने वाला है, ये करने वाला है, फ्लोरीन एड का हुआ, यहाँ हुआ HEF4 का फ्लोरिनेशन हुआ, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और इसके कारण से क्या बना कि टू मोर फ्लोरीन एड होकर जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, कितना आसान। दूसरी बात, ये वाला प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर जैसे हमने इसको वाटर में डाला, यहाँ कोई वाटर में नहीं डाला था, यहाँ पर केवल रिएक्टिविटी की बात हो रही थी, हेक्साफ्लोराइड फ्लोरीन की रिएक्टिविटी से हुआ है और यहाँ पे इसकी बॉन्ड के जल्दी टूटने से हुआ। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने पानी में ही डाल दिया, जैसे आप पानी में डालेंगे ये वाला फ्लोरीन, ये इसमें ये क्या होगा, डिजोल्व होकर आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होकर ये क्या करेगा, जीनोन तो चाहता ही है कि मैं तो किससे रिएक्ट करूं ही ना, मैं तो अनरिएक्टिव फॉर्म में ही रहना चाहता हूं,
तो जैसे ये जीनोन यहां से अलग होगा और फ्लोरीन अलग होगा, तो ये कह रहा है कि मैं अब अलग हो गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये गैस फॉर्म में निकल गया बाहर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्टिव इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये चाहता नहीं है। दूसरी बात, यहां से जीनोन निकला, यहां से क्या निकलेगा, एक तो एच प्लस निकलेगा एक और टू माइनस, तो ये एच प्लस जो निकल रहा है ये, और यहां पर यह निकल रहा है एफ माइनस, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे HF। क्यों? फ्लोरीन चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेना, वो तो F- में बनना ही चाहता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। या फिर आप ये बोलेंगे कि अपोजिट आयन है, आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसने इसे हाइड्रोजन से ले लिया, चलो ठीक है, मान लीजिए आयनिक बॉन्ड नहीं था, कोवेलेंट बॉन्ड था, पर इसके खेच तो लिया ना, पर खींचने वाले में पावर होना चाहिए, एफ निकला हो तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है मान लिया, तो एफ निकला तो वो एफ एफ माइनस में कन्वर्ट होना चाहता है, तो किससे खींचेगा, कि जो इजीली अवेलेबल, तो हाइड्रोजन से वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर एच एफ बनाएगा। अब बच गया है और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या है कि मान लीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये किस खेच में होगा, ये देखिए मैंने सबको कोवेलेंट बना दिया, ठीक है, ये कोवेलेंट बन गए, अब तो समझ में आ गया है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ से खींच लेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा। अब तो ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में आ गया, तो ऑक्सीजन जब सिंगल फॉर्म में आता है तो वो एक और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, ये लो O2 बना दिया। तो इस तरीके से जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कि किस तरीके से आप बॉन्ड बनाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉन रिएक्टिव है जीनोन, ये जैसे ही फ्री होगा ये आप बिना अलग ही निकलेगा, आगे भी जितनी रिएक्शन होगी उसमें इसी तरीके से ये फ्री होना चाहेगा, और ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बनाकर अपने स्टेबल फॉर्म में जाएगी। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये आयनिक बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, फ्लोरीन तो चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लेना, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ओके, ये जो जीनोन फ्लोरीन में है, ये लास्ट तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन में क्या लिखा गया है, इनमें लिखा है कि जीनोन डाइफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड, इन तीनों की रिएक्शन करवाई गई है PF5 से। जब PF5 से होगा, आप इन्हें हर जगह फ्लोरीन की बात आ रही है, फ्लोरीन की क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव। अब इंपॉर्टेंट देखिए इसमें, यहां से ये इतना है कि ये फ्लोरीन अपने आप को मतलब खींचना चाहता है, कितना पावर देखिए इसका, कि यहां से क्योंकि जीनोन तो वैसे भी क्या है कि लेस रिएक्टिव है, फ्लोरीन एड हो गया है, ठीक है, अब वो लूजली बाउंडेड है, चाहो तो जा सकते हो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जीनोन कहता है कि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं आपसे बॉन्ड बना रहा हूँ, इससे ऑक्टेट रूल का वैसे वायोलेशन हो रहा है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि जीनोन पे दो इलेक्ट्रॉन और जुड़ते ही वो तो 8 से 10 हो जा रहे हैं, तो यहाँ तो वायोलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल है ना, तो ये इतना बॉन्ड न तो यहाँ मजबूत है या न यहाँ मजबूत है, न यहाँ, तीनों ही केस में मजबूत नहीं है, तो ये लूजली बाउंडेड ही है सारे। अब ये कह रहा है कि PF5 के पास में जैसे ही आता है तो ये PF5 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से इस तरीके से स्विच करवाएगा, एक फ्लोरीन को एक खींचेगा, तो जिसके पास जाएगा तो वो तो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसा करने से केटायन और एनायन दो तरह की स्पीसीज बनेगी। जैसे इसने इसने लॉस किया, जब लॉस करने वाला होता है पॉजिटिव आयन, ये तो केटायन है, जिसने गेन किया, यहाँ देखिए 5 है यहाँ पे, और यहाँ जब 5 से क्या हो गया यहाँ पे 6, मतलब गेन किया तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ कैटायनिक स्पीसीज एंड एनायनिक स्पीसीज इस तरीके की स्पीसीज बन गई है। इंपॉर्टेंट देखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, सेम तरीके से देखिए एंटीमनी, इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ से 4 है, ये भी लूजली बाउंडेड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर स्विच करेगा, 4 से वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ ये है 5, और ये 5 से क्या हो जाएगा 6 हो गए, हो गया नेगेटिवली चार्ज। नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए मेटल, इसके साथ में जो मेटल लगाएंगे वो कैसी होगी, मेटल हमेशा हम जानबूझकर ग्रुप 1 की ले रहे हैं, ग्रुप 1 में कौन, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जो कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन वैसे एक्स्ट्रा है, और वो चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, लूज करके वो फटाफट केटायन में बनना चाहते हैं, है ना, ये तो लूज ही करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे ही ये इधर आएगा, ये इधर तो आएगा नहीं, क्यों, यहाँ पे लूज करने की प्रोबेबिलिटी मेटल की ज्यादा है, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये कह रहा है कि मेरे को भैया पॉजिटिव बनना है, एक इलेक्ट्रॉन जावा,
तो यहाँ क्या होगा, मैटर इलेक्ट्रॉन लूज ये करेगा, लूज करेगा, ये पॉजिटिव बनाता है क्योंकि इसकी आदत में है कोटाइल बनना। अब इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी आदत होती है वो वहां काम होगा। यहाँ मेटल लूज करना चाहता था, मेटल लूज करेगा। यहाँ पे लूज रिबाउंडेड है, पर इससे भी ज्यादा लूज रिबाउंडेड ये है, क्योंकि ये चाहता ही है कि फटाफट लूज करके जाए यहाँ से, एफ माइनस निकले और एफ माइनस निकलेगा और यहाँ पे सिक्स है, तो ये सिक्स से क्या हो जाएंगे सेवन। और ये जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर आया, जो इलेक्ट्रॉन लाया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो लूज करेगा वो, पर इसकी जगह कोई और मेटल होता तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने ग्रुप वन के मेटल लिए हैं, इसका नेचर ही है कि फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करो, हाईली मेटलिक होते हैं, हाईली मेटलिक कैरेक्टर है कि फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करना है। क्यों, सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, 281, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास में 2 और 8 रह जाएगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, तो वो तो चाहेगा ना फटाफट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पोटेशियम 2881, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही मेटल अगर लेंगे तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये आपकी मेटल और फ्लोरीन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब दो तरह का देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात है, जीनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए दो तरह के हाइड्रोलाइसिस है, सिंपल जो हम सिंपल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और दूसरा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जिसमें थोड़ा हाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में रॉ मटेरियल सेम है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ये हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट XeO3, ये देखिए जब हाइड्रोलाइसिस में तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, नीचे देखिए ये क्या बन रहा है, XeOF2 and O2F2, मतलब समथिंग डिफरेंट, सेम रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, बट उसके कारण से क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये पढ़ने की जरूरत है, ओके। अब एक और बात समझिए, इसमें क्या है कि ये F4 है और F4 के साथ में 12S2, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने इससे पहले बताया कि यहाँ से अगर जीनोन अलग हो सकता हो तो हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोरिन दोनों मिलाकर HF बनाएंगे और ये ऑक्सीजन O2 बनाएगा, ये यहाँ तक कॉमन थी, बट ये जो प्रोडक्ट है कि जीनोन जो अलग हुआ है वो ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करके ये बार प्रोडक्ट भी बनाएगा, जिसके बारे में अभी स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको, कि जिसका स्ट्रक्चर कैसा है कि वो तीन ऑक्सीजन होकर टेट्राहेड्रल बनेगा, ये बात बताऊंगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे फिर वही कि जीनोन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों अलग होना चाह रहे थे, ये तो अलग भी हो गए, ये तो जीनोन और ऑक्सीजन अलग भी हो गए, पर कुछ पार्ट जीनोन और इन दोनों को मिक्स होकर ये बना रहा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट याद करने की बात है यहाँ पर, कि ये कह रहा है कि F6 के कारण से जल्दी अलग हुआ, जल्दी अलग होकर O3 बना रहा है, तो XeO3 दोनों प्रोडक्ट में बन रहा है जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और HF तो बनना ही बनना है, कोई बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो आयनिक प्रोडक्ट है, तो जहां से हाइड्रोजन फ्लोरीन अलग हो जाएंगे यहाँ HF बनना ही बनना है। पार्शियल में भी क्या हो रहा है कि थोड़ा वाटर यहाँ 12, 3, तो यहाँ पे 1, 2 कम लिया जा रहा है, जब पानी ही कम लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कम ही होगा, तो वहां वर्ड आएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सिंपल। इसके अंदर क्या बनेगा कि जीनोन अलग होगा, हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ ये, तो ये वाला प्रोडक्ट, उसके बाद फ्लोरीन भी यहाँ से अलग होकर इसके जुड़ जाएगा। रियल में होता क्या है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए दो हाइड्रोजन तो दो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो 2 फ्लोरीन तो यहाँ से बनकर HF इतना तो बन ही जाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन है, क्योंकि F-H+ दोनों मिलकर आयनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये कह रहा है कि हमने ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन ही कम डाला, तो पानी कम डालने पे 2H+ निकले तो 2F- निकल जाएंगे, तो 2H+ 2F- तो 2HF बना दिया, यहाँ पानी बढ़ा दीजिए, पानी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4H+ निकलेंगे, तो यहाँ पे 4 यहाँ से निकाल दीजिए, तो 4 और 4 4HF बन जाएगा। तो रियल में हो क्या रहा है, पानी के साथ में H निकल रहे हैं वो बना रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरिन बना रहे हैं, उसके बाद में जो ऑक्सीजन बच जाएगा जैसे यहाँ 2 और 2 हो गया और यहाँ पर 4 फ्लोरीन माइनस हो गए, तो यहाँ पे बच गया XeF2, क्योंकि 4 तो यहाँ चले गए, तो यहाँ XeF2, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, वो दोनों ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ एक नया प्रोडक्ट बन गया XeO2F2। तो ये अगर मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आ रही है आपको, हाइड्रोजन का रोल समझ में नहीं आ रहा है, वाटर से इसका रिलेशन नहीं आ रहा है, तो फिर ये याद नहीं होगी। सिंपल सी बात याद रखनी है कि 2H है तो यहाँ पे 2H, तो यहाँ से 2F निकाल दीजिए,
बाकी चीज को लिख दीजिए, और यहां से ऑक्सीजन है उसको ऐड कर दीजिए, यहां पे चार हाइड्रोजन है तो चार फ्लोरीन निकाल दीजिए, HCF2 और ये ऑक्सीजन दो यहां ऐड कर दीजिए, नया प्रोडक्ट हो गया। यहां देखिए इसी तरीके से यहां भी हुई कि 3 × 6 हाइड्रोजन तो यहां 6 फ्लोरीन निकाल दीजिए और इसकी जगह क्या होगा ये ऑक्सीजन यहां ऐड कर दीजिए। यहां पे देखिए 12 × 24 तो 24 HF बनेगा, वहां देखिए 24 HF बन रहा है लास्ट में, यहाँ 24 HF बन रहा है। ओके इसके बाद भी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से ऐड कर देंगे, कुछ है कुछ Xe और O2 अलग हो जाएगा मान लेते हैं, लेकिन रियल में क्या हो रहा है इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऑक्सीजन आ जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए आप देखेंगे ऑक्सीजन वहां आ गया। तो ये हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबकी स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट में बताएंगे। एक क्वेश्चन इससे पहले कर लेते हैं कि डज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 लीड टू ए रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, ठीक है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज के लिए आपको मैं आपको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के बाद ही हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि HCF6 पर रिडॉक्स हो रहा है क्या, तो HCF6 कहां है ये वाला, तो HCF4 को मैं हटा देता हूं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। इसके बाद में वो HCF6 के बारे में पूछ रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पहला बन रहा है HCO4, ठीक है, इसके बाद बन रहा है ये वाला, ठीक है, हम दोनों इसकी बात कर लेते हैं। वो ऊपर वाले केस में भी यही था और इसमें भी यही, इसमें क्या है -1 × 6 ये आएगा +6, यहां पर XE की क्या है +6, और इसके बाद में यहां देखिए ये है -1 × 4 −4, ये ऑक्सीजन क्या है -2, दोनों को मिलाकर होगा +6, यहां पर भी जीनोन है +6, +6 से +6 मतलब नो ऑक्सीडेशन चेंज। इस केस में इसमें कहा जाएगा कि ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, क्यों, अगर ये +6 से कम हो जाता तो रिडक्शन, +6 से बढ़ जाता तो ऑक्सीडेशन, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। चलो नीचे वाले केस में देखिए, यहां पे क्या होगा -6 तो ये है +6, ऊपर निकाला सेम, यहां देखिए यहां पे -1 × 2 − 2 − 2 × 2 − 4 −4 और −2 को मतलब हुआ है कि -6 मतलब +6, यहां पर भी सेम HCF2 यहां +6 से +6 मतलब ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन। इससे पहले वाला केस था HCF6 + 3H2O से क्या बन रहा था HCO3 + 6HF, ये पहली वाली रिएक्शन था, इसमें भी देख लीजिए -1 × 6 मतलब +6, अच्छा यहां पे देखिए -2 × 3 − 6 यहां +6, इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है क्या ऑक्सीडेशन में, कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस नो रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा ये रिएक्टिविटी को शो करने के लिए दिया गया है, केवल रिएक्टिंग स्टेट बताई गई है, इसका मतलब ये जहां पे चेंज नहीं हो रहा है वहां पे कोई रेडॉक्स नहीं है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में आपको 1, 2, 5 स्ट्रक्चर दे रखी है। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर देखिए HCF2, बहुत सिंपल है और इसको याद करना है, मतलब एक बार समझ लीजिए समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है। जीनोन की बात करें तो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। हम अगर जीनोन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बताए गए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ बॉन्ड कितने बनाने हैं फ्लोरीन, मतलब दो ही बॉन्ड बनाने हैं, जब दो बॉन्ड बनाने हैं इसका मतलब है कि बाकी के क्या है एलपी है, तो यहाँ पे कितने एलपी रहेंगे 3 एलपी। अब एक और बात, जब हम दो तरीके से जैसे मान लो फ्लोरीन और फ्लोरीन में दो बना दिया, सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, 2, 3, 4, 5 5 अगर सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब क्या बनेगा sp3d, ओके इस तरीके से बनना ही है। तो sp3d में हम क्या बनाते हैं कि जीनोन, फिर 1, 2, 3 और ये 4 और 5, ये बनना ही बनना है। तो रियल में होता क्या है कि हमको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये है कि लिस्ट आपको क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, लिस्ट रिपल्शन के लिए हम जो अपने एलपी है उसको इस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पर रिपल्शन कम से कम हो,
तो अगर मैं इधर एलपी को इधर और यहां रखता हूं तो रिपल्शन और फ्लोरीन फ्लोरीन यहां रखता हूं, जैसे मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन यहां रखा और यहां एलपी 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 रखा, तो यहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन कम करने के लिए हमने क्या किया कि इस केस में तो आप कर दीजिए एलपी, ये देखिए ये एलपी ये एलपी ये एलपी, इनके तीनों के बीच में कितना एंगल है 120 का एंगल, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा, मेन स्ट्रक्चर में काउंट होगा ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, ओके। और इस केस में ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर। और ये ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन हमको जरूरत है, तो यहां आपको लीनियर समझ में आ गया। अब सेकंड केस में उन्होंने रखा है कि XEF4, ठीक है ना, यहां क्या समझना है, ये है लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर। अब वो चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं अब फ्लोरीन हो गए 8, अब क्या होगा कि अब वापस वही कि ये जो लीनियर स्ट्रक्चर इसमें चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि अब आपके पास में बॉन्ड कितने हैं, 4 तो बॉन्ड बनाना है और उसके बाद में एलपी है, ठीक है ना। तो अभी अपने पास में रियल में कितने हैं, ये तो 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाने हैं, अगर मैं 4 बॉन्ड बनाऊं उसके बाद में 2 एलपी रह जाएंगे, तो ये तो बेस स्ट्रक्चर है, तो यही स्ट्रक्चर बनती है जीनोन, ये इस तरीके से बनेगी जिसमें यहां पर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर ये लोन पेयर। इसमें जो स्ट्रक्चर बीच की बनी है ये क्या चीज है, ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसी लग रही है, स्क्वायर जैसे लग रही है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर। और इसके अलावा ऊपर स्ट्रक्चर में कभी भी ये काउंट नहीं करते हैं, इसका मतलब पिरामिड तो बनने नहीं है, एक प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, हाँ सही है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर ही लिखा है, ठीक है ना, स्क्वायर। ये आपको सेकंड वाली स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर, ये वाली बनाएंगे। इसमें सिंपल सी बात है कि इसको आप स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हो, ये चीज ही काउंट होगी, ये एक स्क्वायर है, इसके बाद एक प्लेन में इस तरीके से, ठीक है ना, एक प्लेन में बना है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। थर्ड केस क्या कहता है कि इसी में थोड़ा सा बढ़ा के हाँ एफ सिक्स कर दीजिए, यहां पर अगर सिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, तो वो तो और इजी है, कैसे, यहां पर अब इसके पास में टोटल बॉन्ड की सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, अब 6 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो बॉन्ड ही बनाना है। तो रियल में होता क्या है कि इसी चीज को समझाने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सीबीएसई में आता है, एक्स ई क्या है, इसके पास में ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे, ये 4 बना लेगा, 5 भी बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं 5 भी बना लूं तो 6 इधर बनाना पड़ेगा, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इनके बीच में 72 का एंगल रहेगा, अभी है 90 का एंगल, एंगल जितना ज्यादा दूर होगा रिपल्शन उतना कम होगा। एक फ्लोरीन में अगर बाहर यहां बना दूं और एक फ्लोरीन यहां बना दूं, अब ये क्या है कि इक्वल एंगल है, ओके इस केस में। पर प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हमने 1 2 3 4 5 6, तो ये एलपी कहां जाएगा, तो ये कह रहा है कि एलपी यहां पर आएगा सेट होगा, ठीक है ना, एलपी जैसा ये यहां पर है एलपी, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये एलपी क्या करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण से ये जो है ना ये फ्लोरीन ये खिसक जाता है और इस तरीके से हो जाएगा। तो रियल में क्या होना था, रियल में आपके पास में इस तरीके से बनना था, ये स्क्वायर बनना था और इसके बाद में ये इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनना था, तो अभी भी बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, पर इसके कारण से डिस्टोर्शन हो गया, हल्का सा शेप में चेंज आ गया, तो इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर इसको वैसे काउंट नहीं करते, लेकिन इसी कारण से थोड़ा सा क्या हुआ, शेप में चेंज तो आ गया ना, स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिस्टोर्ट तो हो गई, ऑक्टाहेड्रल जैसा बनना था वैसा ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर नहीं बना, तो इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई अक्सर पूछता है कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी और इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो ये ऐसा बनाना है। अब आपको बनाना है कि एक और स्ट्रक्चर दी गई है, इसको मैं फिर से मिटा रहा हूं, अब तो स्ट्रक्चर ही थोड़ी सी अलग है, सभी को मिटाना है, क्यों, क्योंकि अब आ गया है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन जैसे ही आता है थोड़ी सी स्ट्रक्चर में और चेंज आ जाता है, क्यों? वो डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाने के कारण से क्या होगा, जैसे इसका है एक्स ई ओ एफ फोर, अब ये वाली चीज आ गई, तो एक्स ई एफ फोर तो बनाया था आपने, ऑक्सीजन अलग से आ गया, तो लगभग वैसा ही प्रोडक्ट बनता है कि एक्स ई में क्या था, कि एक्स ई में था आपके 1 2 3 4, तो ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां तो फोर्थ हो गया। यहां से देखिए ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका और बच गया एलपी, क्यों? एक्स ई में रियल में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन है और ये 7 है। इस केस में क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये देखिए ये स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर, ये इस तरीके से बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर में काउंट करते नहीं है, तो रियल में क्या है, ये स्क्वायर का स्क्वायर वर्ड आ जाएगा और इसका पिरामिड वर्ड आ जाएगा। तो वर्ड का नाम क्या लिखा जाएगा, एक तो लिखा जाएगा स्क्वायर, दूसरा क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा पिरामिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन SeOF4 will make a structure, explain the structure. Structure में सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को हम जान बुझ कर क्या करते थे, आप फ्लोरीन है एक जैसे रखते हैं ताकि रिपल्शन कम हो, अगर इसको यहाँ रखते थे और फ्लोरीन को यहाँ रखते तो रिपल्शन बढ़ जाता, ऑक्सीजन को अलग से रखा है तो इसका मतलब डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, दूर हो गया, इस केस में रिपल्शन कम होगा। अगर ये कह रहा है कि XeO एक और प्रोडक्ट बनाया है, अगर इसका ही एक और प्रोडक्ट बनाया है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो XeO3 का क्या होगा, फिर XeO3 में क्या होगा कि सिंपल सी बात है, तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तीन सिग्मा, ठीक है, और वो भी डबल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक एलपी, तो टोटल हो गया 4, एक एलपी रहा, जैसे मतलब ये देखिए XeO, ये है एलपी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन, सिग्मा 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 4 सिग्मा, मतलब sp3 बनना था टेट्राहेड्रल, तो यहाँ टेट्राहेड्रल बनाने के लिए जानबूझकर इस तरीके से बनाता है, और ये एलपी होता है वो इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ये वाली चीज को काउंट करेंगे, तो ये इस तरीके से ये और ये एक पिरामिड बन रहा है, तो ये वाला शेप है पिरामिडल। इस तरीके से आपने सबकी स्ट्रक्चर को देखा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हालांकि बनाना नहीं चाहता है, फिर भी बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बन रहे हैं और ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहे हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मेशन में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बनेगा, ठीक है। यूजेस के बारे में देखिए आप, अब इनका बहुत कुछ यूजेज है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी करती नहीं है, जब रिएक्टिविटी नहीं करती है तो बहुत सी जगह काम आता है। सबसे पहला, ये जो बलून होते हैं जो कि एयर में अपलिफ्ट करते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर जाना है इसका मतलब हल्की गैस भरनी है और नॉन रिएक्टिव भी भरनी है, ताकि वहाँ पे जैसे बलून से रिएक्ट ना कर जाए, ऊपर जाके कहीं और जाकर रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है ना। सिंपल लाइट गैस है इसीलिए बलून में भरते हैं, नॉन इन्फ्लेमेशन मतलब आग नहीं लगेगी, और आग भी नहीं लगती है। दूसरी बात है, जो बलून जाता है तो उसमें हम जैसे लाइट एयर के लिए और दूसरी गर्म हवा भी भरते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो आग लग जाती इसी में, तो बलून में ही आग लग जाती, तो नॉन इन्फ्लेमेशन और लाइट गैस इसीलिए बलून में भर रहे हैं। बलून क्यों, क्योंकि जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन करता है कि कहाँ पे कैमरा लगाता है उसके नीचे, ठीक है ना, वो कैमरा जो लगता है बलून के नीचे, जैसे मान लो ये जो बलून है इसके नीचे जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा का ऑब्जर्वेशन ऊपर जाकर होता है, लेकिन ये लाइट वाली जो गैस इसको ऊपर ले जाती है, और ये जो कैमरा है, जैसे कैमरे चारों तरफ लगाते हैं, वो कैमरा ऑब्जर्वेशन करता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेट्रोलॉजी गैस जो होता है न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारी गर्मी निकलती है, अब गर्मी निकलेगी इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 4.2 केल्विन, सबसे कम इसका ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसलिए बहुत कम होता है, जिसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम उसको कूल करेगा, ज्यादा गर्मी हो गई तो पिघल जाएगा न्यूक्लियर प्लांट, और हो सकता है कि वहां पे ब्लास्ट हो जाए, तो उस गर्मी को
जो न्यूक्लियस यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम ये बर्न होता है, ज्यादा गर्मी देता है, इस गर्मी को वापस कूल करना होगा। इसके लिए ये वाली जो गैसें जो रिएक्ट भी नहीं कर रही है, दूसरा जो कूल भी कर रही है, तो ये बेस्ट है। इसीलिए नॉन रिएक्टिविटी और इसका बॉइलिंग पॉइंट का कम होना, ये दोनों इसके लिए हेल्पफुल है। इसी तरीके से एनएमआर और एमआरआई मेडिकल में जो होता है ये, ठीक है ना, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें भी खूब एक्चुअली मैग्नेट लगती है। मैग्नेट क्या करती है कि हीट को प्रोड्यूस करती है, जब वो काम करेगी जैसे वो देती है जो पूरी होती है गोल गोल, उसमें जो हीट क्रिएट होती है उस हीट में आपको ऐसी गैस डालनी है जो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले और उसको कूल कर दे और रिएक्ट भी ना करे। वहां पर भी यही चीज इंपॉर्टेंट है। इवन तो आपके क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वहां पर भी आपको लिक्विड ये हीलियम को यूज करते हैं, वहां पर भी वहां टेम्परेचर को कूल किया जाता है। तो ये सब जगह कूलेंट का कूलिंग का काम करेगी और रिएक्टिविटी नहीं दे रही, इसीलिए ये इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके बाद डाइवर्ट, आपके जो डाइवर जो होते हैं जो सी में जाते हैं डाइवर, अब वो क्या करते, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन डालते थे तो उनमें क्या होता था, बेंड्स आ जाते थे नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन को कंसंट्रेशन कम करने के लिए हीलियम उसमें मिक्स किया गया है, 11% के आसपास मिक्स करते हैं, उसके कारण से वो बेंड जो होता है, बेंड एक डिजीज जिसके कारण से नाइट्रोजन हटती ही वहां पे बेंड आ जाता था और वहां पेन होता था, ज्यादा हो जाता तो अटैक आ जाता था, हार्ट अटैक। तो उस केस में हीलियम ने क्या किया, 11% ही है लेकिन यहाँ डाइल्यूएंट के रूप में वो क्या कर रही है, वो यूज हो रही है। इसी तरीके से आपके और भी लिखा हुआ नियोन, आपके डिस्चार्जिंग ट्यूब फ्लोरोसेंट बल्ब जो सीएफएल में जो गैस भरी होती है वो नियोन गैस होती है, नियोन बल्ब कहते हैं हमको, ठीक है ना। और डिस्प्ले, ये क्या है, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के पर्पज से भी इसका यूज हो रहा है, क्यों, फ्लोरोसेंट बल्ब के यूज हो रहा है, तो फ्लोरोसेंट में तो एक अलग सी लाइट होती है जो कि डिस्प्ले करेगी इजीली। नियोन बल्ब और बोटनिकल गार्डन में भी हो रहा है, क्यों, जो ग्रीन हाउस जो बनाते हैं वहां पर नियोन बल्ब का यूज करते हैं ताकि वो लाइट से उसको वहां पे प्लांट्स की वर्किंग में हेल्प करें। आर्गन, आर्गन से क्या होता है, ये भी इनर्ट है, होती बहुत है, 1% के आसपास बता रहे थे आर्गन, और ये होती इनर्ट है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर जो मेटलर्जी जो प्रोसेस है जिसमें आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है ना, मेटल्स की आर्क वेल्डिंग ये भी प्रोसेस था इसमें, उसमें क्या हो रहा है, ये आर्गन काम आ रही है, ठीक है ना। एंड फिलिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले आते थे सीएफएल से पहले एक बल्ब आते थे उसमें आर्गन भरी होती थी, नॉन रिएक्टिव होती थी, वहां पे भी क्या टंगस्टन फिलामेंट गर्म होता था, उसकी हीट को आर्गन एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करेगी ताकि इतना नहीं हो जाए कि मेल्ट ही हो जाए टंगस्टन, वहां से आर्गन उसकी उसको मेल्ट करेगी, सॉरी उसकी गैस को, गैस इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और बाहर फेंकेगी, अदरवाइज वो टंगस्टन मेल्ट हो जाएगा। तो आर्गन से बल्ब में वो भर रहे थे, ठीक है। और इसी तरीके से और भी थोड़े एक दो प्रॉब्लम मतलब लेबोरेटरी में भी खूब काम आ रहा है, ठीक है ना। एयर सेंसिटिव जहाँ है वहाँ पर भी इन गैसेस का यूज हो रहा है, और जीनोन और क्रिप्टोन का अभी कोई ऐसा कोई खास यूज पता नहीं पड़ा, ठीक है ना। बस ये लाइट बल्ब में थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, और इस तरीके से आपका ये ग्रुप 18 एक ही मतलब एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। धन्यवाद।